एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी गार्डनिंग में। और मैं रेखा, देखिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये मेरे प्यारे प्यारे से डहलिया देख लीजिए, कितने प्यारे से ये ब्लूम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने जो है विंटर में जो सीड से ही ग्रो किए थे, और इनके सीड जो है मुझे किसी ने दिए थे, तो मैंने ये ग्रो किए और देखिए कितने अच्छे मुझे इनका रिजल्ट मिला है। और फ्लावर भी इन पर देखिए खिल रहे हैं कितने प्यारे से। और इन पे देखिए मुझे ये कई कलर मिले हैं, ये थोड़ा सा पर्पल सा कलर है, और एक और दिखाती हूँ मैं आपको, ये थोड़ा क्रीम सा कलर है इसका। और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये वाइट है, लेकिन थोड़ा सा इसकी पेटल्स में देखिए थोड़ा हल्का सा आपको कलर दिख रहा होगा। ये देखिए शायद ये पोलिनेटर की वजह से कलर इसका चेंज हुआ है। तो दोस्तों ये कितने प्यारे से ये मेरे गार्डन में ब्लूम कर रहे हैं। तो अगर आप अगले विंटर में इनको ग्रो करना चाहते हैं तो सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो आज मार्च की 12 तारीख है और गर्मी देखिए हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ हो गई, और धूप भी काफ़ी तेज हो रही है। तो धूप होने के कारण जो है हमारा ये विंटर का गार्डन जो है धीरे धीरे समाप्त ही होता जा रहा है। तो कई प्लांट तो मैंने कल निकाल ही दिए एनुअल क्राइसेंथम के, तो इससे पहले कि हमारा ये विंटर का गार्डन धीरे धीरे करके ख़त्म हो और फ्लावर्स जो हमारे गार्डन से ख़त्म हो, उससे पहले हमें समर की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो समर में ग्रो किए जाने वाले सबसे फ्लावर, हैवी फ्लावर देने वाला प्लांट जो है, आज मैं मिनिएचर सनफ्लावर के बारे में बात करूँगी और उसे ग्रो भी करके दिखाऊँगी। तो पहले उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी दे देती हूँ। तो मिनिएचर सनफ्लावर जो है गर्मी का ग्रो किए जाने वाला ये प्लांट है, और उसे धूप और गर्मी से बहुत पसंद है। तो ये इतनी जल्दी इजीली ग्रो हो जाता है और आपके गार्डन में ये हमेशा बना रहता है। जब हम इसे ग्रो करते हैं और जब इसके सीड इधर उधर हमारे गमलों में गिर जाते हैं तो हमें ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो खुद ब खुद ही ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने ये प्लांट जो है पिछले समर में ग्रो किया था, तो इस बार मैंने जो है ग्रो भी किया है और कुछ अपने आप भी सीड मेरे गमलों में निकल आए हैं जो गिर गए थे। तो ये इतना इजीली ग्रो हो जाता है, तो आप इसको एक बार ग्रो करें और अपने गार्डन को कलरफुल बनाएं। फ्लावर्स के बारे में बात करूं तो जो इसकी पेटल्स जो है येलो कलर की होती है, और जो सेंटर का पॉइंट जो है थोड़ा ब्लैक कलर का होता है इसका। तो इनकी एक खासियत है कि जब सूर्य निकलता है तो जिधर की तरफ सूर्य घूमता है तो उधर की तरफ ही ये अपना मुंह कर लेते हैं, घूमते हैं। तो जो देसी होते हैं उनकी हाइट लंबी हो जाती है, 3 से 4 फुट, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, और जो हाइब्रिड होते हैं वो 1 से 1.5 फीट तक के ही रहते हैं। फ्लावर को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बनाइए। मिट्टी की बात करूँ तो आप इसकी मिट्टी वेलड्रेन मिट्टी बनाइए, और उसमें एक हिस्सा खाद और सैंड मिला लीजिए ताकि मिट्टी जो है हमारी पोरस हो जाए। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और ग्रो करते हैं मिनिएचर सनफ्लावर के सीड्स को। सीड्स लगाने से पहले मैं आपको प्लांट दिखा देती हूँ। तो ये है प्लांट दोस्तों मिनिएचर सनफ्लावर का, ये दोस्तों अपने आप ही ग्रो हो गया है। इसका सीड गिर गया होगा गमले में तो ये ग्रो हो गया अपने आप ही खुद ब खुद। मेरे काफ़ी सारे गमलों में इसके प्लांट जो है निकल रहे हैं। तो आप एक बार इसको ग्रो करेंगे तो इसको ग्रो करने की भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी अगली बार के लिए, क्योंकि इसके सीड खुद ब खुद ही ग्रो हो जाते हैं जहाँ जहाँ गिरते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने मिट्टी ये तैयार कर ली है, मेरे पुराने गमले की मिट्टी थी जो मैंने इसके लिए ली है, और मैंने इसमें जो है सैंड मिलाया है और खाद मिलाया है और मिट्टी है इसमें, और कोकोपीट मेरे पहले ही इसमें मिली हुई थी। तो इसके लिए वेलड्रेन मिट्टी ये तैयार की है मैंने, और इसमें साफ का फंजीसाइड मिलाया है ताकि सीड को हमारे को फंगस ना लगे। तो चलिए मैं सीड भी दिखा देती हूँ आपको, इसके सीड कैसे होते हैं। देखिए ये हैं इसके सीड, देखिए ये ब्लैक ब्लैक से जो दिख रहे हैं ये हैं। तो सीड हमें लेके ऐसे करके ये स्प्रिंकल कर देने हैं ये बस, और फिर ऊपर से हम थोड़ी सी इसमें सॉइल मिक्सचर जो हमने बनाया वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। सीड को गहराई से नहीं दबाएंगे, नहीं तो सीड्स जो है हमारे ख़राब भी हो सकते हैं।
सीड हमारे ये लग के तैयार हो गए हैं और अब हम इसे देंगे पानी। तो मिट्टी मैंने पहले ही गीली कर ली है, तो पानी अब हम इसे देंगे थोड़ा ही। अगर आपने मिट्टी गीली नहीं की है तो फिर आपको पानी सही से देना होगा। देखिए मैंने सीड्स को पानी दे दिया। अब हम इसको रखेंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर इसको ज़्यादा धूप ना लगे। मिट्टी को हमें मॉइस्ट रखना है और जब ये इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी तो मैं आपको इसका अपडेट भी दूंगी। तो दोस्तों देखिए मैंने कुछ टाइम पहले ये सीड्स यहाँ पे घेरे थे। इसमें मेरा एक होलीहॉक का प्लांट है तो इसमें मैंने ये सीड घेरे थे। देखिए मेरी ये सीडलिंग्स कितनी बड़ी बड़ी और कितनी हेल्दी हुई है। ये देखिए देख पा रहे हैं आप। ये देखिए तो ये मिनिएचर सनफ्लावर के इजी टू ग्रो प्लांट है। अपने गार्डन में इसे ज़रूर लगाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।